अस्सलाम वालेकुम ऑटिज्म फैमिली, आज हमारा टिप ऑफ द डे है हाइपर एक्टिविटी के ऊपर। बहुत से पेरेंट्स ने मुझे इनबॉक्स किया था कि हाइपर एक्टिविटी हम किस किस टेक्निक्स के साथ कम कर सकते हैं, तो मैं आज आपको एक टेक्निक बताती हूँ, एक टिप बताती हूँ हाइपर एक्टिविटी की कम करने के लिए, जो बहुत फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। मेरी बेटी जब 4 साल की थी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी थी, बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव थी, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आती थी। तो जिस सेंटर में वो जा रही थी, मैं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के पास गई, मैंने उनसे कहा कि इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, इसके अंदर इतनी कोई हाइपर एक्टिविटी है और ये इतनी कोई एग्रेसिव है, सबको बहुत मारती है, और अगर मैं इसको होल्ड करने की कोशिश करूँ तो ये मेरे हाथ भी नहीं आती। लेकिन हाँ, इसने एक नया वर्ड सीखा है जो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसकी स्पीच में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। बोलती नहीं थी मेरी बेटी उस वक्त, सिर्फ थोड़े से वर्ड्स थे उसके पास बस। तो वो साइकोलॉजी पर खुश हुई, कहती चले अच्छा है, शुक्र है इसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट तो आई है, अब मुझे इतना कौन सा वर्ड इसने सीखा। मैंने कहा कि इसको न्यूटेला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको मैंने जब जब दिन में न्यूटेला देना होता है तो ये उसको मैं कहती हूँ कि आप जब तक न्यूटेला नहीं कहोगी तो मैं आपको न्यूटेला नहीं दूँगी। तो इसको मैंने काफ़ी दिनों से इसको मैं सिखा रही थी कि आपने कहना है न्यू टे ला, जिस तरह हम स्पीच की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं घर में अपने बच्चों को, तो मैंने उसको वैसे ही मैंने उनको कहा कि मैंने इस तरह इसको ये वर्ड सिखाया न्यूटेला। तो जितनी दफ़ा मैंने इसको दिन में देना होता है तो अब वो मुझे जब तक न्यूटेला नहीं कहती मैं उसको न्यूटेला नहीं देती। तो मैंने जब उनको देखा तो वो मुझे बड़े गुस्से में देख रही थी, मुझे कहती कि आप इसको न्यूटेला दे रही हैं घर में? मैंने कहा हाँ जी। कहती कितने टाइम्स दे रही हैं? मैंने कहा मैंने उसको कभी एक दफ़ा मैं उसको बेड पे लगा देती हूँ और कभी इसको मैं वैसे ही थोड़ी सी चम्मच में डाल के दे देती हूँ। तो मुझे कहती कि इन बच्चों के अंदर इतनी एक एनर्जी होती है, हम अपनी जो मैंने आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ दी हैं घर में इसके साथ करने के लिए और जो टूल्स दिए हैं कि आपने इस पर अप्लाई कर लें जिसकी वजह से इसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो, वो उसका मकसद ये होता है कि हमने इसके अंदर से एनर्जी को लूज़ करना है, निकालना है इसके अंदर से एनर्जी को। जब इसके अंदर से एनर्जी कम होती जाएगी तो इसकी हाइपर एक्टिविटी खुद जगह पे आती जाएगी। लेकिन जितनी एक शुगर आप इसके अंदर डाल रही हैं, इसकी तो हाइपर एक्टिविटी कभी भी ठीक नहीं होनी। शुगर के अंदर इतनी एक एनर्जी होती है कि अगर आपका जो हमारा है ये जो बच्चे जिनको हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, अगर ये शुगर डेली रूटीन पे ले रहे हैं तो इनकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल नहीं हो सकती। मैंने उनसे कहा कि मैं तो उसको जूस भी देती हूँ दिन में, चॉकलेट्स भी खाती है, कभी हम लोग बाहर निकलते तो आइसक्रीम भी खाती है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी उसको मत करवाएं, कोई भी टूल अप्लाई ना करें, और आप इसको बेशक मेरे पास से भी ले जाएं क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल कम नहीं होना, फिर इसकी हाइपर एक्टिविटी कभी भी कम नहीं हो सकती। आप यकीन करें कि उस दिन के बाद ऐसी कोई रूटीन बना दी है मैंने अपनी बेटी की इस मीठे के ऊपर कि अगर उसको कोई चॉकलेट दे भी रहा होता है ना तो वो मुझे देखती है कि मैं इसको खाऊं कि ना खाऊं और मुझसे परमिशन ले रही होती है कि मैं ये थोड़ी सी खा लूं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने इनकी शुगर बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, वीक में एक दफ़ा इसको मैं आइसक्रीम भी खिलाती हूँ, वीक में एक दफ़ा अगर आइसक्रीम खा ली है तो चॉकलेट जूस कुछ भी नहीं, पैकेट वाले जूस तो बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिए हैं इसके। और अगर कोई फैमिली गैदरिंग हो रही होती है, कोई बर्थडे पार्टीज़ होती हैं और उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक रखी हुई होती है तो हाफ ग्लास पानी होता है और 2 सिप उसमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक होती है। और बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे उसके मिले कि जो उसकी हाइपर एक्टिविटी और जो एग्रेशन था उसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर, अब 20% रह गया है उस वक़्त से अभी तक का। तो शक्कर मैंने बना के देने होते हैं तो वो भी मैं उसको शुगर उसमें शुगर में बना कर नहीं देती, शक्कर में बना के देती हूँ। और बहुत ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है कि मैं उसको सॉल्ट और ब्लैक पेपर में बना के देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। आप उसको शुगर दें, शुगर की बनी हुई चीज़ें दें, लेकिन वीक में एक दफ़ा, 2 वीक में एक दफ़ा, ऐसा ऐसा बच्चे की डिमांड खुद ही कम हो जाएगी और इस चीज़ का आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये टिप बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह, और हम अपनी नेक्स्ट टिप के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।